प्यारे बच्चों, इसी क्रम में बढ़ते हुए हम आगे की ओर चलते हैं और आगे चलने पर हमें एक क्वेश्चन और मिला जो ये था कि सॉल्व कीजिए 1 upon x plus 4 minus 1 upon x minus 7 equal to 11 upon 30 अगर हो तो बताइए यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि जो इक्वेशन दे रखी है लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट हैंड वाली कंडीशन का हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। जब आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, x प्लस 4 और इंटू x माइनस 7। x प्लस 4 का डिवाइड लगाया इसमें तो ये पूरा पूरा कट गया, बचा कौन, x माइनस 7, और इस x माइनस 7 का मल्टीप्लाई करना है आपको 1 से, और 1 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही x माइनस 7 से कट गया x माइनस 7, बचा क्या, x प्लस 4, और इसका मल्टीप्लाई करोगे आप प्लस माइनस 1 से तो ये हो जाएगा आपका इतना, इक्वल टू चल रहा है 11 अपॉन 30। इसके बाद क्या करना है, x है माइनस 7 है माइनस x, माइनस का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों संख्याएं किसकी हैं, प्लस की, और ये माइनस की वजह से किसकी हो जाएंगी, माइनस की। अपॉन अपॉन में क्या करें, मल्टीप्लाई कर लें, x का इंटू x से करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर x का माइनस 7 से करेंगे माइनस का 7x, ऐसे ही प्लस का 4x और माइनस का 4 7 जा 28, इक्वल टू क्या चल रहा है, 11 अपॉन 30। इस तरीके से x को काट दिया तो यहाँ पर क्या बचा, माइनस का 11 अपॉन x स्क्वायर, 7 में से 4 जब माइनस करोगे तो कितना बचेगा, माइनस का 3x, माइनस 28 इक्वल टू 11 अपॉन 30, और यहाँ 11 से 11 कट गया एक बार। इसका मतलब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 28 इक्वल टू हो गया 1 अपॉन 30। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू माइनस का 30। प्यारे बच्चों ध्यान दें, जब आप माइनस 30 को इधर लाओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 ये किसका हो जाएगा, प्लस का 30 इक्वल टू हो गया 0। अब ध्यान दें कि एक्स स्क्वायर है माइनस का 3x है, इसके बाद ये प्लस का है और ये माइनस का है, घटेगा तो कितना बचेगा, प्लस का 2 और इक्वल टू हो गया 0। इस तरीके से फाइनली जो हमारा लास्ट स्टेप आया वो कहाँ पर आके रुका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण पर। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप फैक्टराइज करना जानते हो, किस तरीके से, फैक्टर मतलब गुणनखंड करते थे कि मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 2x स्क्वायर, पहले का इंटू लास्ट वाले से करते थे तो क्या आया 2x स्क्वायर, और क्या करते थे कि इस 2x स्क्वायर के ऐसे दो फैक्टर ढूंढो जिनका आपस में मल्टीप्लाई करें तो आ जाए 2x स्क्वायर, लेकिन उनको क्या करें, जो लास्ट होता है कांस्टेंट उससे पहले वाले को देखो, प्लस है तो प्लस करें और माइनस है तो माइनस करें, और प्लस करने पर क्या आ जाए, माइनस का 3x। अब हमें ऐसे दो फैक्टर ढूंढने, तो देखिएगा सीधा सीधा मिला हुआ है हमारे पास 2x है और x है, 2x का मल्टीप्लाई x से किया 2x स्क्वायर आ गया, और ऐसे ही 2x में x को जोड़ेंगे तो 3x आएगा, लेकिन हमें किसका x, 3x चाहिए माइनस का, तो मजबूरन हमें ये दोनों किसके करने पड़ेंगे, माइनस के। मतलब कहने का हो गया, पहले से कुछ नहीं कहना और लास्ट वाले से कुछ नहीं कहना, इसकी जगह जो फैक्टर आए वो क्या आए, माइनस का 2x और माइनस का x। इस तरीके से जब आप पहले इन दो कंडीशन में कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, x माइनस का 2, और यहाँ माइनस 1 को कॉमन लिया तो यहाँ मिलेगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। जब हम यहाँ से x माइनस 2 को कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 मिलेगा, इक्वल टू हो गया 0। इसी तरीके से जब x माइनस 2 इक्वल टू 0 लेके चलोगे तो x इक्वल टू मिलेगा 2, और यहाँ पर x माइनस 1 इक्वल टू 0 लेकर चलेंगे तो x इक्वल टू मिलेगा 1। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, आप इसे अच्छी तरह से नोट करें।